हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज.com में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैंगन का भरता, और वो बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाना बताऊंगी मैं आपको। और वो गांव वाला प्रोसेस रहेगा, जैसे कि गांव में बहुत ही हेल्दी चीजें रहती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी ग्रीन सब्जियां होती है। और बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप अगर इस तरीके से बैंगन का भरता बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। तो चलिए हम गाँव के तरीके से बैंगन का भरता बनाने के लिए सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में मैंने लिया है ये बैंगन है, और ये गांव का लगा हुआ है, बहुत ही बड़ी साइज का बैंगन है ये देख सकते हैं आप। इतना बड़ा बैंगन है कि 3 से 4 लोगों का काम हो जाएगा इजिली। तो ये बैंगन लिया है हमने एक बड़ी साइज का। भरता बनाने के लिए आप बड़ी साइज का बैंगन लेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। और मैंने आपको बताया कि बच्चे बहुत बार ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सूखी वाली प्याज को यूज नहीं करेंगे। ग्रीन है ये प्याज की पत्तियां हैं, और मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इनके जो यहाँ पे किनारे पे इनकी जो लास्ट के कोने हैं ये सूख जाते हैं, और उनको सबको मैंने हटा दिए हैं, तोड़ दिए हैं, और अच्छे से वॉश करके रख लिया है, एकदम फ्रेश हो गया है। और यहाँ पे कुछ धनिया की पत्ती ली है, ज्यादा क्वांटिटी में ले ली है। और यहाँ पे मैंने ली है 2 हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं हरी मिर्च को। मैंने एक नींबू लिया है बड़ी साइज का, और यहाँ पे एक टमाटर है, इसे मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, आधी चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है। और यहाँ पे हमने लिया सरसों का ऑयल, ये 1 छोटी चम्मच लिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, और यहाँ पे कच्चा जीरा हमने लिया है। तो ये तो हो गई हमारी सामग्री। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो बैंगन लिया है ये बहुत बड़ी साइज का है, और ये बहुत ही हल्का है। आप कभी भी बैंगन को खरीदते हैं, ये देखिए, कभी भी आप खरीदते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हल्का है या वजनदार लग रहा है। देखिए, ये हमने यहाँ पे इनके जो किनारे हैं इनको हम निकाल देंगे। अगर हल्का होगा तो वो बिल्कुल ही अच्छा होगा, और थोड़ा मोटा होता है, वेट होता है उसमें, तो वो थोड़ा बीजे वाला रहता है। तो ये आप पहचान कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, हमने इनके नखियां काट दी है, और चाकू से हम इसमें इस तरीके से कट लगा देंगे। गांव में जो बैंगन का भरता बनाते हैं बहुत ज्यादा मसाला और बहुत ज्यादा ऑयल नहीं रहता है उसमें, बहुत ही हेल्दी तरीके से बनता है। तो वही प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 4 से 5 कटे लगा दी है इस तरीके से, तो ये फटेगा बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे हमने लिया है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल इसमें बहुत ही अच्छा होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हाथ पे लगाते हुए इसे चिकना कर देंगे। इसको लगाने से इसकी जो स्किन होती है बहुत ही अच्छे से निकल जाती है। तो ये हमने लगा दिया है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गैस ऑन कर देंगे, और ये जो हमारा बैंगन है इसे फुल फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे, और फिर हम इसे लो फ्लेम पे पकाते जाएंगे। और इस तरीके से हम इसे पलटाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखिए, जैसे ये इस तरीके से, फिर हमने ऊपर नीचे कर दिया, फिर साइड से कर दिया। तो इस तरीके से हम इसे पकाते जाएंगे जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। इस तरीके से हम दबाते हुए देख लेंगे, और इसका छिलका भी जलने लग जाएगा। तो इसे हम पलटाते जाएंगे, इसमें लगेगा 10 से 15 मिनट इसको पकने में। हमारा बैंगन पक रहा है, तब तक के लिए हम हमारी जो प्याज की पत्तियां हैं, धनिया की पत्ती है, नींबू का रस है, इन सब की हम प्रिपरेशन कर लेंगे। इन सबको काट लेंगे, नींबू का रस निकाल लेंगे, इसे बारीक बारीक सा काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक बारीक सा काट लिया है, धनिया की पत्ती काट ली है, और मिर्ची काट ली है, नींबू का रस निकाल लिया है। और अब हम चेक कर लेंगे बैंगन को। बैंगन को मैंने फुल फ्लेम पे भी पकाया है और लो फ्लेम पे भी पकाया है। जब जैसे ही थोड़ा पकने लगा तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, और देख सकते हैं इस तरीके का बैंगन हमारा भूनकर तैयार हुआ है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम बनाते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है कि बैंगन जो है किस तरीके से पकाना है, किस तरीके से भूनना है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी साइज का बैंगन था ये, और देखेंगे ये पक गए हैं। तो यहाँ पे इसकी साइज जो है मीडियम हो गई है। और अगर आपको पता नहीं चलता है कि ये कैसे पकाया, तो आप चाकू या कोई चम्मच की सहायता से इस तरीके से अंदर तक, पूरा अंदर तक आप इसे दबाएंगे। तो ये देखिए इजिली हमारा चाकू जा रहा है, यानी कि ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करते हैं। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया है, और मैंने इसे एक थाली में निकाल लिया है। और अब हम यहाँ पे इसको छील लेंगे इस तरीके से, इनके छिलके साइड से रखते जाएंगे। छिलना भी बहुत ही आसान है, हल्का गर्म है और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं किया है हमने। फटाफट इनको निकाल लेंगे, पूरा छीलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने छीलकर तैयार कर लिया है और ये थोड़ा गर्म है, इसे थोड़ा सा ठंडा और होने देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे एक प्लेट में थाली में निकाल लिया है और चाकू से हम इस तरीके से काट देंगे इसे। आप चाहे तो मेसर की सहायता से इसे मेस भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इस तरीके से चाकू से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप कभी भी बैंगन का भरता बनाते हैं तो बैंगन जो है अच्छी क्वालिटी का ही ले, ताकि बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी सी लड़ निकल जाती है। और इसे ये देखिए इस तरीके से हमने चाकू से बहुत ही बारीक कर लिया है। पीसेस पसंद करते हैं तो पीसेस भी रख सकते हैं इनके यहाँ, और एकदम मैश करना चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमने इस तरीके का चाकू से बहुत ही बारीक सा कर लिया है इसे। और यहाँ पर डालेंगे हम सारे मसाले, हल्दी का पाउडर। हल्दी पाउडर से इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। मिर्ची पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, हरा जीरा जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट भी देता है, गरम मसाला डालेंगे। और ये सारी हमने ग्रीन चीजें ली हैं, इन्हें हम डाल देंगे। प्याज की पत्तियां हैं, मैंने आपको बताया है कि हम अगर बहुत ही अच्छी तरीके से गांव के प्रोसेस में बनाते हैं तो ये बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ग्रीन भरते में ग्रीन चीज़ों को आप ऐड कर देंगे तो वैसे तो सिर्फ ग्रीन चीज़ों को आप देंगे तो खा नहीं पाएंगे, और अगर आप किसी चीज़ के साथ मिक्स करके देंगे तो बच्चे इसे ज़रूर खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है, धनिया की पत्ती है और टमाटर है, प्याज की पत्तियाँ हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, और सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है। अब हम इसे एक बार मिक्स करेंगे। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और अब हम डालेंगे लास्ट में नींबू का रस जो हमने निकाल कर रखा था, तो ये हम पूरा डाल देंगे। इससे इसका जो टेस्ट होता है काफ़ी बढ़ जाता है, और इसमें हमने जो प्याज की पत्तियां डाली है हरे प्याज की, तो इसका जो टेस्ट है कड़वापन नहीं आता इससे। और ये देखिए खुशबू बहुत ही अच्छी आने लग गई है, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप गांव के वीडियो देखना पसंद करते हैं, गांव की जो रेसिपीज़ होती है, गांव में कितनी हेल्दी हेल्दी रेसिपियाँ बनती है, तो अगर आप उसे देखना पसंद करते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं वो वीडियो भी आप तक पहुँचाऊँगी। गांव में बहुत ही अच्छी हेल्दी हेल्दी चीज़ें होती है, और गांव की चीज़ें जो होती है वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो डायरेक्ट कोई भी चीज़ को तोड़कर, काट कर, वाश करके बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और तो फाइनली हमारा जो बैंगन का भरता है वो तैयार हो गया है। आप इसे रोटियों के साथ खाएंगे, आप गेहूं की रोटी हो, आप ज्वार की रोटी हो, या मक्का की रोटी के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर अभी तक आपने हमारी मक्का की रोटी नहीं देखी है तो आप ऊपर कार्ड में देख सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगता है मक्का की रोटी के साथ आप खाएंगे तो। और आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को, सीखने को मिलती है। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज के साथ। हैप्पी कुकिंग।